पीठ में दर्शन करने पहुंचे हैं और दर्शन पूजन से ही वो दो दिन के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर इस वक्त 20 पर बीजेपी का कब्जा है और जाहिर सी बात है राहुल गांधी की नज़र इस इलाके पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से जीतकर सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देखा है कांग्रेस ने उसको पूरा कर सकें। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ की बात अगर करें तो यहाँ पर गांधी परिवार के लोगों की पहले से आस्था रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ पर अनुष्ठान कराया था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चला था और कहा जाता है कि उस अनुष्ठान के बाद युद्ध विराम हो गया था और उसके बाद इंदिरा गांधी की भी यहाँ से बहुत आस्था जुड़ी थी और अब राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है इस उम्मीद से पहुँचे होंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी को सफलता हाथ लगेगी। तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक विवादित बयान दिया है। द हिंदू लिटरेचर फेस्ट लिट फॉर लाइफ डायलॉग 2018 में शशि थरूर ने राम मंदिर पर बयान दिया कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित स्थान पर राम मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहेगा। शशि थरूर के मुताबिक देश के ज्यादातर हिंदू ये मानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसीलिए कोई भी अच्छा हिंदू दूसरों के ढाए गए पूजा स्थल पर राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहेगा। As a Hindu, obviously, I'm very conscious that a vast majority of my fellow Hindus believe that was the specific birthplace of Ram. And for that reason, most good Hindus would want to see a Ram temple at the site where Ram was supposed to be born. But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, दो चीजें, चुनावों से पहले शशि थरूर का ये बयान किस नजरिए से देखा जाएगा और दूसरा इसमें शशि थरूर समझाना क्या चाह रहे हैं? देखिए, किस नजर से देखा जाएगा नवजोत, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि अभी जब इस मामले में कांग्रेस से प्रतिक्रिया ली जाएगी तो कांग्रेस के जवाब से ही अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस खुद बैकफुट पर होगी, क्योंकि चुनाव के समय में एक तरफ जहां कांग्रेस और उसके तमाम बड़े नेता एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय पर शशि थरूर का ऐसा बयान आना निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टि से अगर ये कहें तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर हमलावर होगी और बीजेपी का इस मामले में रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं कि इस समय जब एक तरफ तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष लगातार मंदिरों के दौरे करके अपने आप को एक हिंदूवादी नेता है, हिंदू छवि अपनी सामने रख रहे हैं, सभी धर्मों को मानने वाली छवि सामने रख रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता जिनको पार्टी ने कई जिम्मेदारियां दी हुई है वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी इससे खुद को अलग करना चाहेगी। लेकिन विक्रांत, दोनों बातें कही, एक तो ये कि आस्था वहीं पर है अयोध्या में तमाम हिंदुओं की और दूसरा कोई अच्छा हिंदू ये नहीं चाहेगा कि गिराए हुए ढांचे पर दोबारा से मंदिर बनाया जाए। अब इसको किस नजरिए से देखिए, लेकिन गिराए हुए ढांचे की जो उन्होंने बात की है कि दूसरे के पूजा स्थल को गिराए हुए ढांचे पर मंदिर कोई हिंदू नहीं चाहेगा, इस बात पर भी कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि इस समय जो लगातार सभी लोग ये कोई भी खुलकर विरोध राम मंदिर के मुद्दे पर उस तरीके से नहीं कर पा रहा जैसा ये राम मंदिर जिस समय बाबरी मस्जिद कथित तौर पर ढहाई गई थी उस समय जो राजनीतिक बयानबाजी होती थी उससे और आज की राजनीतिक बयानबाजी में बिल्कुल बदलाव आ गया है। पूरी तरीके से राजनीतिक चरित्र देश के राजनेताओं का बदला है तो ऐसे समय में शशि थरूर का बयान आ पाना तो लगता मुश्किल है कि कांग्रेस उनके इस बयान पर उनके साथ खड़े हुए दिखाई देगी। विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ, जरा एक बार फिर से सुनते हैं शशि थरूर ने क्या कहा। As a Hindu, obviously, I'm very conscious that a vast majority of my fellow Hindus believe that was the specific birthplace of Ram. And for that reason, most good Hindus would want to see a Ram temple at the site where Ram was supposed to be born. But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. बड़ी बात। अब सियासत, विक्रांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस एक तरीके से कांग्रेस के लिए फजीहत की बात भी होगी क्योंकि अभी हम दो ही तस्वीरें दिखा रहे थे, हमने दिखाया किस तरीके से दतिया मंदिर पहुंचे राहुल गांधी पूजा अर्चना वहां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर जहां पर शशि थरूर ये बयान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र जैन जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, कैसे देखा जाए शशि थरूर के इस बयान को? शशि थरूर को ना तो समझ है भारत की, ना समझ है हिंदू धर्म की और ना समझ है राम जन्मभूमि आंदोलन की। उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है कि राम जन्मभूमि आंदोलन 1528 से निरंतर चल रहा है।
ये 37वां लड़ाई है जिसको लेकर हम आगे बढ़े हैं और इसमें 16 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में जिस आंदोलन के अंदर हिंदुओं ने भाग लिया है उस आंदोलन को नकारा नहीं जा सकता। और शशि थरूर और उनकी पार्टी की असलियत क्या है, कभी तो वो राम भक्त बनते हैं और कभी कहते हैं कि राम मंदिर इस देश की मेजोरिटी नहीं बनाना चाहती है, तो मेजोरिटी क्या चाहती है? ये चुनाव परिणाम से उनको ध्यान नहीं आ गया है क्या? ये जो इन्होंने शब्द कहा अच्छा हिंदू कोई ये नहीं चाहेगा, अच्छा हिंदू की परिभाषा क्या समझ में आई फिर? मुझे लगता है शायद वो राहुल गांधी को अच्छा हिंदू मानते होंगे जो ये कहते थे कि मंदिर में जाने वाले लड़की छेड़ने के लिए जाते, तो उनकी अच्छे हिंदू की परिभाषा शायद वहीं तक सीमित होगी। ये कांग्रेस की कल्चर के अनुसार भी है। देश के जितने संत है उनके प्रमुख दिल्ली में बैठे थे, अब वो अच्छे नहीं है, उच्चाधिकार समिति के लोग। संतों की मेजोरिटी चाहती है राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, वो खुलकर विरोध करे और कह दे कांग्रेस की वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। यदि शशि थरूर की परिभाषा के अनुसार वो अच्छे हिंदू हैं जी, सुरेंद्र जी दुनिया यही मानेगी कि ये भी अच्छे नहीं। सुरेंद्र जी रोक रहे हो जरा आपको, आप रहिए हमारे साथ। माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनसीपी नेता। माजिद साहब क्या समझ में आता है शशि थरूर जब ये बात कहते हैं? मैं वापस से आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आस्था है, तमाम हिंदुओं की आस्था है वहां पर अयोध्या में, लेकिन कोई भी अच्छा हिंदू ये नहीं चाहेगा कि गिराए हुए ढांचे पर मंदिर बने। देखिए आस्था, विश्वास, धर्म और हिंदुत्व, इन सब चीजों को अगर आप एक दो मिनट के लिए अलग रखें तो थरूर साहब का जो बयान है मैं उसको इस नजरिए से ट्रस्ट करूंगा, इस नजरिए से सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि इंसाफ परस्त हिंदू अच्छे हिंदू होते हैं और इंसाफ परस्त हिंदू इंसाफ चाहेगा। और इंसाफ वहाँ क्या होगा? वो इंसाफ न्यायालय तय करेगी। इस हिसाब से आपने जो अगर कुछ लोग धांधली कर रहे हैं कि हम चाहे जैसे कि शिवसेना वाले हों या आरएसएस वाले हों, वो तो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं कि कम वोट में हम सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की परवाह भी नहीं करेंगे, हम ईंट लेके जाएंगे, हम वहाँ जाके मंदिर का निर्माण करेंगे। थरूर जी का इशारा इसी पर है कि ऐसी गुंडागिरी करना या इस तरह से कानून अपने हाथ पे लेकर मंदिर के निर्माण करने जाना, उससे आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होगी, उससे आपके भगवान राम जो है वो प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छे हिंदू वो हैं जो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी और इंसाफ की दृष्टि से मंदिर का निर्माण चाहेंगे। जी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही बात है। जी माजिद साहब रहिए हमारे साथ। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। नावेद जी शशि थरूर के बयान से क्या समझ में आता है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? निश्चित कोई भी शांति पसंद इंसान जो होता है, जिसको शांति पसंद होती है और जो देश के न्यायपालिका में जिसको भरोसा होता है वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है। वो ये चाहता है कि कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो हमको मान्य होगा और उसी का अमल किया जाएगा। हर इंसान कोई ये नहीं चाहता कि कोर्ट से अलग हटके या अपनी बातों को आगे रखे, कोई भी ये नहीं चाहता। मतलब देश में आज इंसान चाहता है कि उसके घर पे छत हो, सर पे छत हो, रोटी हो, सुरक्षा हो, दवाइयाँ हो, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उनकी बेटियों की अच्छी शिक्षा हो, उनकी अच्छी शादी हो, ये लोग चाहते। जी नावेद जी मैं जरा रोक रहा अब इसी पर क्योंकि माजिद साहब ने भी यही बात कही, आप भी बिल्कुल उसी लाइन पर जा रहे हैं। सुरेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी आपने दोनों की बात सुनी, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि निर्विरोध बिना किसी विवाद के वहां पर मंदिर बने, कुछ इस तरह की बात समझाना चाह रहे थे शशि थरूर, इनका ये कहना है? ऐसा है कि शशि थरूर को आज पसंद करने वाले कुछ लोग हैं, उनकी बात की सहमति करने वाले, क्योंकि उनके मन की बात उन्होंने कह दी। लेकिन जब ट्रिपल तलाक के ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी भरा एफिडेविट दिया था, बेहूदगी भरा दिया था, तब शायद मेरे ख्याल से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में नहीं खड़े। मुझे लगता है न्यायपालिका का सम्मान करना इन लोगों के लिए सेलेक्टिव विषय होता है। मैं ऐसे 85 उदाहरण गिना सकता हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगे। याकूब मेनन के मामले पर भी बहुत बड़ी संख्या है इन्हीं लोगों की है, जिन लोगों ने कहा था कि वो मुसलमान था इसलिए उसको न्याय दिया। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को विचार करना चाहिए और देश की भावनाओं के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सेलेक्टिविज्म अच्छा नहीं। ठीक है सर। सर एक और बात है यहाँ पर कि आप जिस तरीके से बात करें सेलेक्टिविज्म की, बात ठीक है आपने कही, माजिद साहब हमारे साथ नहीं तो मैं जवाब उनसे जरूर लेती, लेकिन अगर
शशि थरूर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्विरोध बने, मामला भी कोर्ट में है और मेरे ख्याल से दोनों पक्ष भी यही चाह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला ही सम्मान्य होगा, सरकार खुद ये बात चाहती है। मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर की बात को इतना महत्व देना चाहिए। उनके पीछे कांग्रेस है क्या, ये भी विचार करना चाहिए। कितनी बार ये कांग्रेस का भी विचार नहीं है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी विचार नहीं है, तो whom he is representing, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह भी एक विचार करने का विषय होना चाहिए। क्योंकि इनके बहुत सारे बयान ऐसे रहे हैं जो देश के लिए, देश के समाज के लिए बहुत आपत्तिजनक रहे हैं। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, समाज की, संपूर्ण भारत के समाज की, हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। उन्होंने बार बार अपमान किया है, बेइज्जती की है, कैटल क्लास तक इन्होंने शब्द प्रयोग किए। नंबर दो, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये विषय है एक विदेशी हमलावर द्वारा इस देश के राष्ट्र पुरुष राम का एक मंदिर को तोड़ना और उसका स्मारक जो बाबर के रूप, बाबरी ढांचे के रूप में था जी, इसको राष्ट्रीयता वर्सेस बाबर प्रेमी इस रूप में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हिंदू मुसलमान का विषय है भी नहीं जी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने इसको हिंदू मुसलमान का विषय बनाकर देश में झगड़े की एक फसल